तो ये दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर दरअसल अश्विनी कुमार अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे और उस पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे थे ये एक लाइव बाइट आई थी, ये इसलिए हमने आपको सुनाया। फिलहाल हम आपको बताएं कि जिस तरह से बजट पर राहुल गांधी ने चर्चा की वो हंगामे का सबब बनी। और क्यों बनी हंगामे का सबब, इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जो हलवा सेरेमनी होती है उसके बारे में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, वो पहले ये आपको सुनाते हैं। जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। तो आपने सुना कि राहुल गांधी ने जो हलवा सेरेमनी है उसमें कहा कि ओबीसी और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो उस सेरेमनी में शामिल नहीं हुए थे, उस पर सवाल उठाए उन्होंने। फिलहाल इस पूरी चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राधिका खेड़ा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हुई। राधिका जी बहुत स्वागत है आपका। दीपक झा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, दीपक जी स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे साथ हम जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग एडिटर हमारे। दीपक विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी आपके साथ अगर शुरुआत करें, और देखा आपने कि जो हमारी खबर है उसमें कई सारे इश्यूज हैं। दरअसल एक तो जो जिस तरह से बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत हुई है कोचिंग संस्थानों में, उस पर भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और इसके साथ ही साथ अभी आपने सुना कि किस तरह से हलवा सेरेमनी पर भी अब सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने, किस तरह से देखते हैं इस पूरी जो एक जिसको कहा जाए कि नैरेटिव गढ़ने की जो प्रक्रिया है इस सियासत में आजकल की, कैसे देखते हैं इसको? निखिल, मैं अगर आपके रिपोर्ट से आऊं तो इस देश में जो एक अभी जो ट्रेंड बना है वो सिर्फ ये नैरेटिव्स का है, कि उनको लग रहा है कि इस देश में आप काम कुछ भी करो ना करो, अगर नैरेटिव्स आपका पक्का है और नैरेटिव्स आपका चल गया है तो आपका इसका फायदा होगा और ये आपका इसका बोनस भी मिलेगा। तो आपने जब देखा कि आज अगर सदन में, पूरे दोनों सदनों में आपने देखा, लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह की चर्चा हुई, और दिल्ली के इन छात्रों, दिल्ली के कोचिंग में जो छात्रों के 3 मासूम छात्रों की जो मौत हुई है उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई, तो आम आदमी पार्टी के सांसद और दिल्ली सरकार के मंत्री का सीधा जवाब था कि हमें कुछ करने ही नहीं दिया जाता है, हमारे हाथ बंधे हैं, और वो अपना इन सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं जी। रही बात की, अब आप देखिए कि राहुल गांधी का आज एक महत्वपूर्ण बजट चर्चा में उनको शामिल होना था, प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, एक जिम्मेदारी के साथ में वो एक संवैधानिक पद पे हैं, और उस चर्चा में जो इस चक्रव्यूह की बात करते हैं, कम से कम राहुल गांधी ने 31 बार चक्रव्यूह की बात की है अपने 10-15 मिनट के भाषण में, और उस चक्रव्यूह के साथ साथ वो तमाम हिंदू मैथोलॉजी जो है उसको टारगेट करते हुए देखते हैं, और वो चक्रव्यूह में कमल को ले आते हैं। राहुल गांधी को शायद पता हो या ना हो कि राहुल गांधी को इस बात की चर्चा की कमल का मतलब क्या होता है, तो वो शायद वो इंदिरा जी से बेहतर पूछ सकते हैं कि राजीव गांधी का नाम भी कमल था जो राजीव रखा गया था जी। और इसको इतने ओछे दर्जे से वो इस सिंबॉलिक में लाते हैं, शायद वो एक तरह से टारगेट कर रहे हो उनका जो भी मकसद रहा हो, लेकिन वो अगर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं हिंदुत्व को लेके, तो शायद कम से कम उनको ये हिंदुत्व को के साथ साथ उनके हिंदू के मानस जो चिंतन है अपनी धार्मिक आस्थाओं से, क्योंकि कमल पे लक्ष्मी उसके विराजमान होती है, और उस कमल को चक्रव्यूह के सिंबॉलिक बताते हुए जब वो अपनी बात रखते हैं, तो शायद इस देश को पच नहीं सकता है कि हलवा का बांटने का जो एक रिवाज है, क्या वो राहुल गांधी के जो कांग्रेस की सरकारें थी उस समय में नहीं थी? ये क्या ये दौर सिर्फ ये 10 साल में शुरू हुआ है?
क्या उस दौर में ये अफसर कौन कौन होंगे, किस जाति के होंगे, ये 70-75 साल से इस देश ने कभी देखा है? और हलवा जो बांटा जाता है वो हलवा ये सारे वही लोग नहीं खाते हैं, हलवा पूरे विभाग के लोग खाते हैं, हलवा के समारोह में उस समय में जो पत्रकार होते हैं उनको भी दिया जाता है। ये कौन सा नैरेटिव चला रहे हैं? ये नैरेटिव राहुल गांधी का वो इलेक्शन है कि जिस इलेक्शन मोड से वो बाहर नहीं निकाल रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से यूपी में कुछ सीटें उनकी आई है, सपा की जीत हुई है, तो शायद उनको लगता है कि हिंदुत्व को तोड़ने के लिए जाति पे चोट करना जरूरी है। तो इस चक्रव्यूह में वो पूरे देश के जनता को, इस चक्रव्यूह में पूरे जन में आप हिंदुत्व को तो आप छोड़ दीजिए, पूरे देश को फंसाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राहुल गांधी कांग्रेस की बात ना करके सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो सबसे क्राइसिस में आज इंडिया गठबंधन है और उसमें राहुल गांधी ये सबसे आगे बढ़ के ये लीडरशिप लेने की जो उनकी एक तमन्ना है कि इंडिया गठबंधन का लीडरशिप हम करते हुए सदन में देखें, शायद उसका भी एक भड़ास आज इस पूरे बजट चर्चा में देखा, जबकि सब हर बात पे वो इंडिया गठबंधन को क्रेडिट देते हैं और वो कहते हैं कि जाति गणना हम इंडिया गठबंधन लागू करके रहेगा, ये एमएसपी पे लीगल गारंटी इंडिया गठबंधन लागू करके रहेगा। इंडिया गठबंधन की अभी 10-11 स्टेट में अपोजिशन में है, अगर वो एमएसपी पे लीगल गारंटी वहां दे के आ जाते हैं तो शायद इंडिया गठबंधन की एक बड़ी कामयाबी होगी। सिर्फ अगर ये पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं तो भ्रम के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ये सवाल पूछ लेते हैं दीपक झा जी से। दीपक झा जी, जहाँ पे आपकी सरकारें हैं कांग्रेस की, वहाँ पर एमएसपी पर गारंटी क्यों नहीं लागू करते, वहाँ किसानों की बात क्यों नहीं करते? तेलंगाना में जब 1200 किसानों की मौत हो जाती उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? हलवा सेरेमनी आज से तो हो नहीं रही है और अधिकारियों की जाति इसके पहले नहीं पूछी जा रही थी, ये नैरेटिव नहीं तो क्या है? देखिए निखिल जी, सबसे बड़ी बात है कि बात सिर्फ कुछ राज्यों में बांट के आप हिंदुस्तान को बांट नहीं सकते हैं, ना विनोद मिश्रा जी राज्यों में बांट के देश को बांट सकते हैं। बात यह रही कि पूरे देश के भारतवर्ष के किसानों की जो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके अंतर्गत आप तेलंगाना को दे देंगे, राजस्थान को दे देंगे, एक और अलग स्टेट को, बात उससे किसानों की साबित नहीं हो जाएगी। बात यह है कि आज इस देश की सरकार जो किसानों के हित से बन रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो किसानों की बात करती है, वो डीएपी महंगा कर देती, यूरिया महंगा कर देती पूरे देश में, तो आप उस पर सवाल नहीं करते कि नरेंद्र मोदी ने क्या नैरेटिव सेट किया है। लेकिन आप लोगों की जब मानसिकता आती कि राहुल गांधी जी सवाल करते, राहुल गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ सरकार से सवाल किया है। संसद भवन में नहीं बोलेंगे तो आप बोलते सड़क पे बोलते हैं, सड़क पे बोलेंगे तो आप बोलेंगे संसद भवन के लिए सवाल उठाते। तो आप लोग ये तय कर लीजिए कि राहुल गांधी जी नहीं, उनके बोलने पर सवाल नहीं है, ये कहा जा रहा है कि जो चीज वो कह रहे हैं केंद्र सरकार को करने के लिए देता है और देश की जनता ने उनको चुना हुआ है। और उत्तर प्रदेश में ठीक है दीपक जी मैं ये कह रहा हूँ और सवाल कर रहे हैं तो एक बिल्कुल बेबुनियाद तर्कहीन तथ्यहीन भाषा है और इसका मैं विरोध करता हूँ। इस तरह के संपादक और इस तरह के जो सलाहकार यहाँ पे बैठे हैं ये घोर निंदनीय अपराध कर रहे हैं। इनको तटस्थ होके भाजपा और कांग्रेस ना देख के देश की बात करें तो बेहतर होगा। अगर राहुल गांधी जी ने कहा कि अच्छा बजट का हलवा बना दिया तो क्या गलत कहा? अच्छा मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, दीपक जी, दीपक जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपकी बात सही, आपको बैसाखी खरीद लिया, एक बिहार को खरीदा, ठीक है मैं कह रहा हूँ दीपक जी दो बातें। एक तो अगर जैसे ये पूरी एक चर्चा हो रही है, इसमें कोई किसी के पक्ष में किसी बात पे सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है, उसका अपना विचार हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो आपके साथ नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर प्रश्नचिन्ह उठा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप असहमत होते हुए भी उसके साथ सहमत होइए कि वो हमारे साथ असहमत है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, प्रश्न का जवाब तो ये था, शुरुआत ये हुई थी कि वो जिस बात को पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो क्यों नहीं जहां वो जिनकी जिन स्टेट्स में उनकी सरकारें वहां लागू कर देते हैं, उसमें तो क्या दिक्कत है? उनको ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, एग्जांपल दिखाएं कि देखिए यहाँ हमने लागू कर दिया, आप देश भर में लागू कर दीजिए। देखिए निखिल जी, हम ओल्ड पेंशन अपने लागू कर रहे हैं, किसानों की ऋण माफी की योजना लागू कर रहे हैं, बिजली पे लागू कर रहे हैं और इंश्योरेंस की बात है जो भामाशाह योजना हमने महाराष्ट्र में लागू किया, तो हम जो हमसे बन सकता है जो हमारे दायरे में हम हमारी सरकारें कर रही हैं। लेकिन जो भारत सरकार की बात होती है उसको आप राज्यों में नहीं बांट सकते, बिल्कुल स्पष्ट बात है। लोकसभा के अंदर, संसद भवन के अंदर देश की बात होगी, राज्यों में बांटने वाली बातें नहीं की जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी जी का काम है, नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे, देश का कृषि मंत्री नहीं करेंगे, तो उस पर सवाल उठाया जाएगा। और इसीलिए आज राहुल गांधी जी ने संसद भवन के अंदर सवाल उठाया है, इसलिए आप इसको तेलंगाना
और अन्य राज्यों से तुलना करके कृपया नाइंसाफी देश की जनता के साथ मत करिए। ठीक है राधिका जी से इसका जवाब लेंगे, ठीक है राधिका जी से इसका जवाब लेंगे, बचाने की कोशिश मत करिए। ठीक है राधिका जी से इसका जवाब लेंगे, उससे पहले राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर के क्या कुछ कहा है, एक एक बाइट है वो अपने दर्शकों को सुनवा दे, उसके बाद राधिका जी के पास आते हैं जवाब के लिए। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लेरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है वो अपनी तरफ से संदेश देंगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं। राधिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं क्या? जी फिलहाल राधिका जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। विनोद मिश्रा आपके साथ राधिका जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। विनोद मिश्रा, आपको ये लगता है कि ये जो पूरा विमर्श है वो कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, जो चीज नहीं भी है उसको भी सच साबित करने की कोशिश की जा रही है? दीपक झा जिस तरह से कह रहे हैं कि जी राज्यों में हम लागू करेंगे लेकिन ये पूरे देश की बात है। देखिए मैं निखिल, हमें जवाब देना नहीं चाहिए, राधिका जी उनके लिए कॉम्पिटेंट हैं, वो जवाब देंगे दीपक झा का जवाब का उनका सवाल का। लेकिन सवाल ये है कि दीपक झा ने मुझे भी मेजे पे भी टारगेट किया है, सिर्फ इसलिए कि हम राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी सारे हिंदू मानकों को लेके और सारे हिंदू चिन्हों को लेके यहाँ संसद में वो बात करते रहे और पूरा देश जो है उनके लिए ताली बजाता रहे। ये कौन होते हैं वो, अगर संसद में अगर क्या उनको ये इजाजत है कि दूसरे धर्म के बारे में इस तरह का एक्सप्लेनेशन करके दिखाएं? दीपक झा, सिर्फ हिंदू ही उनको ये दिखता है कि सारे चीजों के सारे सिंबॉलिक सारी शक्तियां सबको लेके आप सिर्फ यही सवाल पूछेंगे कि आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू के बारे में कितना जानते हैं? आज भी वो पूछ रहे थे, वो कितना हिंदू को जानते हैं? क्या बात करते हैं आप, उनके अनाप शनाप बयान को लेके आप लोग इसको पीटते रहिए। सवाल इस चीज का है, इंपॉर्टेंट इस चीज का है कि आप आज एक संवैधानिक पद एलओपी पे हैं, देश बड़े आपके बात को बड़े जिम्मेदारी के साथ और बहुत सिंसियरिटी के साथ आपकी बात सुन रहा है, आप उसको देख क्या रहे हैं? आप देश को कह रहे हैं कि ये चक्रव्यूह 6 लोगों का है, 6 आदमी इस चक्रव्यूह में एक मार रहा है किसी को, उसमें ये बंदा है, उसमें ये है, क्या आप देश को समझा रहे हैं? बजट पे आपको एक तर्क के साथ आना चाहिए था, जो तर्क हो सकता है और डेफिनेटली हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट का ये बजट जो है जिसकी आलोचना नहीं हो सकती है। एलओपी खूब आलोचना कर सकते हैं, इसमें हिंदू कहां से आ गया, इसमें लोटस कहां से आ गया। सवाल उससे भी इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्शन इस देश में हो चुका है, इलेक्शन हुए 2 महीने हो गए हैं, क्या ये इलेक्शन के मोड से यहां नेता बाहर निकलेंगे नहीं, या फिर आप चाहते हैं कि इस देश में विकास के मॉडल पे विकास के चीजों पे कोई चर्चा नहीं हो, हर कोई इलेक्शन में जाएगा, जात जात करेगा, इलेक्शन जीत लेगा, तो इस देश में काम कौन करेगा? इस देश में विकास की चर्चा और विकास की चिंता कौन करेगा? जब विकास के बदले में आप ये नैरेटिव जात का दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास में विकास का कोई मॉडल नहीं है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को अगर आप विकास के मुद्दे पे हरा सकते हैं, विकास के मुद्दे पे उनकी बातों को उनके पॉलिसी को आप एक धता बता सकते हैं तो ये बात लोगों को समझ में आएगी, लेकिन इस पॉलिसी के बदले में कभी आप जात लाते हैं, कभी आप अग्निवीर की बात लेके आते हैं, कभी आप MSP पे लीगल गारंटी लेके आते हैं, क्या क्या उदाहरण लेके आते हैं, उन सब चीजों का तर्क का सारा जवाब आपको मिला है। लेकिन ये सारी चीजें बजाने के बजाय अगर आप देश को कुछ नहीं दिया है इस बजट की चर्चा में तो ये मैं कहूंगा कि ये कम से कम आप इलेक्शन के मोड से बाहर आप लोग नहीं निकल पा रहे हैं, अभी भी आप इलेक्शन में हैं। ठीक है विनोद जी, शहजाद पूनावाला की एक बाइट है, मैं राधिका खेड़ा जी आपके पास पिछली बार भी नहीं आ पाया था, शहजाद पूनावाला को सुन लेते हैं, उसके बाद राधिका खेड़ा के पास आएंगे। राजेंद्र नगर में जो मैन मेड डिजास्टर हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी की आपराधिक लापरवाही नहीं, उनका भ्रष्टाचार भी सामने निकल कर आ रहा है। वहां के MLA दुर्गेश पाठक, वहां के MCD के लोग, वहां पे मेयर आतिशी जो मंत्री है और अरविंद केजरीवाल, इनकी जिम्मेदारी तो आज स्पष्ट है और इनको न केवल इस्तीफा देना चाहिए पर इनके ऊपर स्क्रूटनी और इनके ऊपर इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए, क्योंकि जरूर पैसा नीचे से ऊपर तक गया है, इसीलिए ये गोरख धंधा चलता रहा।
चलिए राधिका खेड़ा के पास आते हैं, एक बार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राधिका खेड़ा, दीपक झा और विनोद मिश्रा तीन हमारे खास मेहमान जुड़े हुए इस चर्चा में। राधिका खेड़ा, आपने सुना किस तरह से दीपक झा ने ये कहा है कि ये चूंकि पूरे देश का मामला है, इसलिए चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, या फिर शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, इसको राहुल गांधी सदन में उठा रहे हैं तो इस पर पीड़ा नहीं होनी चाहिए बल्कि इसको सुनना चाहिए। पहले तो धन्यवाद निखिल जी, इतने समय बाद आपने मुझे बोलने का समय दिया। खैर देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार देश को भटकाने की और एक काल्पनिक भय फैलाने की कोशिश करते हैं, वो हमने लोकसभा चुनाव में भी देख लिया था, जब उन्होंने गलत गलत बातें फैलाने की कोशिश करी थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। लेकिन जो इनकी चालबाजियां हैं उनका लगातार 10 साल से जनता जवाब दे रही है। अब देखिए ना, ये ना समझी कहूं क्या कहूं मैं इनकी बातों को, जिस तरीके से अब बजट से शुरुआत करते हैं, अब ये कह रहे हैं कि बजट में जो 20 लोग फोटो में दिख रहे हैं उसमें ना ओबीसी है, ना उसमें माइनॉरिटी का कोई है, ना दलित है, ना आदिवासी है। राहुल गांधी को इतनी भी समझ नहीं है, मतलब कोई उनको कोई कागज लिख के देता है उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना उसके ऊपर थोड़ी सी भी खुद की रिसर्च करे। इसीलिए तो उनको बालक बुद्धि कहा जाता है, पर मैं मानती हूँ बालक बुद्धि भी एक बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि बालक भी जो होते हैं वो रिसर्च करते, पढ़ लेते और पूछ लेते हैं। उनको यही नहीं पता कि एक बजट सिर्फ वो जो 20 जने फोटो में दिख रहे हैं वो नहीं बनाते हैं, एक बजट बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं और बहुत सारा समय लगता है, जिसमें हर समुदाय हर जाति के अलग अलग अधिकारी होते हैं। तो ये सिर्फ जो फोटो में दिख रहे हैं वो नहीं है जिन्होंने बजट बनाया है। बजट बनाना एक बहुत ही इतनी बड़ी प्रोसेस होती है, लंबी प्रोसेस होती है, जटिल प्रोसेस होती है, लेकिन इन लोगों को कैसे पता चलेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए बजट बनाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की जेब भरने तक था। जिस तरीके से बजट पे भी इनकी टिप्पणियां आई, अब देखिए ये लोग आपस में ही तय नहीं कर पाते। राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, इसलिए अपने लोगों को कह के वहां पे प्रोटेस्ट कराते हैं और कहते हैं बिहार में कुछ नहीं मिला। वहीं उनके साथी अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि सब कुछ ही बिहार को दे दिया, उत्तर प्रदेश को नहीं दिया। ये लोग आपस में पहले ये बैठ कर नहीं तय कर पाते हैं कि मिला है नहीं मिला है, क्या करा गया क्या नहीं। तो इनकी ना समझी और बचकाना हरकतों से देश लगातार नुकसान खा रहा है। आपको एक मौका मिला है विपक्ष में बैठकर एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष नेता बनने का। दूसरा बयान आप देखिए, ये कह रहे चक्रव्यूह की बात। अब चक्रव्यूह किस चीज इसके लिए रचा गया था, महाभारत में क्या हुआ था, आप उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं जो राम जी का अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, ये कहते हैं कि रामायण हुई नहीं थी। इन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में जाके ये कहा, हर चीज के ऊपर इन्होंने सवाल उठाए। इनके हिसाब से तो रामायण कभी हुई नहीं थी, राम जी थे नहीं, राम जी काल्पनिक पात्र थे। तो आज ये महाभारत के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सब कुछ काल्पनिक है तो काल्पनिक चीजों पर चर्चा क्यों करते हैं, फिर इनको ये कौन समझाए। देखिए यही होता है ना समझ और परिपक्वता जो होती है ना, जो इनके अंदर बिल्कुल है नहीं। इनको यही नहीं पता कि चक्रव्यूह क्या था, कैसे रचा गया था, किस चीज के लिए था। अब ये वहां पे नाम ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का। अरे राहुल जी, आप तो अपना खुद की अमेठी, वो सीट जो आपके खानदानी पुश्तैनी सीट है वो हार गए थे, आप उन लोगों से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं जो अभी तक चुनाव नहीं हारे। मोहन भागवत जी को लेकर आ रहे हैं जो देश के लिए समाज सेवा के लिए इतना काम कर रहे हैं, फिर इस पर लेकर आते हैं अंबानी साहब और अडानी जी को। अरे जो लोग देश की इकोनॉमी के लिए हर चीज के लिए काम कर रहे हैं, और आपको इतनी तकलीफ थी तो अपने नेताओं को क्यों नहीं रोका उनके बेटे की शादी में जाने के लिए, कहां थे राहुल गांधी जब एक एक लीडर बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा कांग्रेस पार्टी का वहां पहुंच रहा था, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे इनके और बड़े बड़े नेता हो, सबके सब सचिन पायलट हो जो खास दोस्त है राहुल जी के, सबके सब लाइन से वहां गए हुए थे, तब चला। यहाँ पे आके बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं जनता को, पर देश की जनता लगातार इस चीज को देख रही है। और एक बहुत बर्निंग इशू देखिए, अभी आप बार बार लगातार बाइट दिखा रहे हैं जो बच्चों की, तीन बच्चों की मौत हुई है। हमने ये भी देखा किस तरीके से चाहे राहुल गांधी हो या उनकी बहन हो प्रियंका वाड्रा, एक ने भी एक ट्वीट में भी उन्होंने एक बार भी आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया इस बात का, एक बार भी अपने साथी केजरीवाल से नहीं पूछा जिसको वो वोट देके आए थे लोकसभा में कि आप लोग क्या कर रहे थे। लेकिन उनको बचाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपने षड्यंत्रधारी ट्वीट लिखे उसका जवाब वहां पे बच्चों ने दे दिया, जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव वहां पे ड्रामा करने पहुंचे, राजनीतिक ड्रामा करने पहुंचे, तो वहां पे गो बैक के नारे लगे। तो ये षड्यंत्र जो है लगातार देश उसका जवाब दे रहा है, चाहे अपने ठीक है। जो आपका सेकंड पॉइंट है, मैं चाहूंगा कि उस पर 30-30 सेकंड में ले ले, समय हमारे पास समाप्त हो गया। दीपक झा, आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराने में क्या दिक्कत थी? बहुत बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, बहुत संक्षेप में, समय समाप्त हो गया। 30 सेकंड के नहीं, यहाँ पे मिश्रा जी ने भी बोला और राधिका जी ने भी बात बोली है कांग्रेस के खिलाफ।
ये बात ये परिवारवाद की बात करते हैं तो ये अंबानी की शादी में तो मोदी जी गए थे, मोदी जी आशीर्वाद देख रहे थे, पूरे देश ने देखा मोदी जी सिर्फ अडानी और अंबानी को सवाल तो आप लोग उठा रहे हैं ना, सवाल वो कहां उठा रहे हैं, वो आशीर्वाद वो तो गए ही थे, वो सवाल कहां उठा रहे हैं, खून पीने का काम कर रही है भारत सरकार, उसके खिलाफ लड़ाई है राहुल गांधी जी की, इसलिए ये लोग भाजपा के लोग डर रहे हैं। दूसरी बात कहते हैं विनोद मिश्रा जी, हिंदुत्व भाजपा की या विनोद मिश्रा जी की बपौती नहीं है, हिंदुत्व पे पूरे देश का उतना ही अधिकार है, हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है। ये लोग ठेकेदार बनने की कोशिश ना करें, कोई सिंबॉलिक जो है, कोई सिंबल जो है वो सबके लिए उतना ही बराबर है, उतना ही मायने रखता है। और बिल्कुल सही कह राहुल गांधी जी, जो चक्रव्यूह की बात है तो भाजपा ने किस तरीके से आज एक चक्रव्यूह रखा है देश में महंगाई बढ़ाने की, आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया, देश में आपका पॉइंट आ गया, मैं चाहूंगा राधिका खेड़ा इस पर जवाब दे, ठीक है कि लोगों को बदला जाए धर्म के नाम पे, ठीक है, समय नहीं है, समय नहीं दीपक झा जी, दीपक झा जी समय नहीं है, तोड़ने का काम करना, ठीक है ठीक है, आपका पॉइंट आ गया राधिका। निखिल जी इनकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी, हाँ, लेकिन ये सवाल उठा रहे करें हिंदुत्व पर सिर्फ किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये जो जो ये पूरा मुद्दा, हालांकि जो आम आदमी पार्टी है उस पर तो उन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह उठाए नहीं। देखिए मैं कह रही हूँ ना, देखिए हिंदुत्व हिंदुओं पे किसी का भी स्टैम्प नहीं है, कौन है हम तो कहते ही नहीं है, यही लोग बार बार कहते हैं कि हिंदू सिर्फ भाजपा है, भाजपा सिर्फ हिंदू है, ये खुद कहते हैं हमें सिर्फ माइनॉरिटी वोट की जरूरत है, मनमोहन सिंह जी खुद कहते हैं कि इस देश में पहला हक किसका है, मुसलमानों का है, हम तो कहते नहीं कि कौन कौन सी धर्म का है, कौन कौन सी पार्टी का नहीं है, एक प्रधानमंत्री होते हुए जब ये कह रहे हैं कि देश की सुविधाओं में देश की हर चीज के ऊपर पहला हक एक पर्टिकुलर धर्म का है, तो वो बताता है कि इनकी क्या फ्रस्ट्रेशन है। और मैं फिर बोलूंगी, जिनको यही नहीं पता राम जी कौन है, रामायण कब रची, राम जी का अस्तित्व है कि नहीं, वो हिंदू धर्म के बारे में ना बोले, और इसी से अपनी बालक बुद्धि का एक नमूना उन्होंने फिर पार्लियामेंट में पेश किया। आप तीनों लोगों का नहीं नहीं बस चर्चा हमारी यहीं तक है, हमारे पास इससे ज्यादा और समय नहीं है, मैं तीनों लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, राधिका खेड़ा आपका, दीपक झा आपका, और विनोद मिश्रा आपका, लेकिन साथ साथ ये भी जोड़ूंगा कि जैसा कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म पर किसी एक व्यक्ति की ठेकेदारी नहीं हो सकती, ये सच है कि किसी एक व्यक्ति की ठेकेदारी नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी प्रश्नचिन्ह, कोई टॉम डिक एंड हैरी आकर उस पर प्रश्नचिन्ह उठा ले ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी किसी की भी हो सकती है, ठेकेदारी जो भी चाहे वो ले ले, लेकिन कम से कम इस तरह से अनर्गल बातें हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, या फॉर दैट मैटर किसी भी धर्म के बारे में उठाना ठीक नहीं है। अब बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की।